हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना का पिछला मैच जो होता है विलेरियल के अगेंस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। और आगे जो बार्सिलोना का नया मैच आने वाला है रियल बेटिस के अगेंस्ट, तो उसके बारे में बात करते हैं। और एक लाइनअप क्रिएट करते हैं रियल बेटिस के अगेंस्ट बार्सिलोना का, जो मैं क्रिएट करूँगा अपनी तरफ से। जो जावी हर्नांडीज़ का लाइनअप कैसा होगा उसको तब देखेंगे। अब मैं एक लाइनअप क्रिएट करता हूँ बार्सिलोना का, जब जो बार्सिलोना के प्लेयर हैं अवेलेबल हैं उससे मैं एक लाइनअप क्रिएट करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं कि बार्सिलोना का विलेरियल के अगेंस्ट लाइनअप कैसा था। तो बार्सिलोना का विलेरियल के अगेंस्ट जो लाइनअप था वो था डिफेंस में था एरिक गार्सिया, रोनाल्ड अराउखो, जेरार्ड पीके एंड जोर्डी अल्बा। मिडफील्ड में थे फ्रेंक यंग, सर्जियो बुस्केट्स एंड निको गोंजालेस। स्ट्राइक में थे गावी, मेम्फिस डिपे एंड आब्दे। अब देखो बेनफिका के अगेंस्ट बार्सिलोना का जो लाइनअप था वहाँ पर जो चांस किया था डिफेंस में, तो क्लेमेंट लिंगले को चांस दिया गया था, तो जो बैक थ्री में खेल रहे थे तो उसका परफॉर्मेंस उतना बेस्ट नहीं था। तो विलेरियल के अगेंस्ट एरिक गार्सिया को चांस दिया था, एज अ राइट डिफेंडर वो खेल रहा था एंड बैक थ्री में खेल रहे थे, तो एज अ राइट डिफेंडर भी कभी कभी वो रन बनाता है, तो वहाँ पर उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। ना क्लेमेंट लिंगले का परफॉर्मेंस अच्छा था और ना एरिक गार्सिया का परफॉर्मेंस अच्छा था। अब हो सकता है कि रियल बेटिस के अगेंस्ट जावी ऑस्कर मिंगेसा को चांस दे, वो एज अ वो नेचुरली वो सेंट्रल डिफेंडर हैं बट वो एज अ राइट डिफेंडर वो भी वो खेला है, तो शायद वो परफॉर्म मेरे ख्याल से अच्छा करेगा। जो रोल एरिक गार्सिया को दिया था मेरे ख्याल से ऑस्कर मिंगेसा वो रोल एरिक गार्सिया से बेस्ट करेगा, तो अगर शायद हो सकता है रियल बेटिस के अगेंस्ट वो रोल ऑस्कर मिंगेसा को मिले। जावी ने कहा था कि सब कुछ जीरो से स्टार्ट होगा, अब सारे प्लेयर्स को चांस मिलेगा, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो रहेगा टीम में और जो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगा उसको चांस नहीं मिलेगा। तो अभी देखते हैं कि मेरे ख्याल से तो ऑस्कर मिंगेसा को चांस मिलना चाहिए, वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर वो एज अ राइट डिफेंडर खेले तो एज अ राइट डिफेंडर बार्सिलोना के पास अभी प्लेयर ज़्यादा हैं। सर्जियो रोबर्टो भी खेलता है जरा डिफेंडर, सर्जिनियो डेस्ट या डैनी एल्विस भी आ गया, तो उसको ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा। एज सेंट्रल डिफेंडर अगर वो खेले तो शायद चांस मिले। अभी क्लेमेंट लिंगले का उस तरह परफॉर्मेंस नहीं है, समय उल्टीटी भी जो है ना उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर बैक थ्री में खेले तो रोनाल्ड अराउखो, जेरार्ड पीके एंड ऑस्कर मिंगेसा जो है ना ये बेस्ट थ्री होगी बार्सिलोना के पास अगर वो इस तरह खेले। तो मेरा जो लाइनअप होगा रियल बेटिस के अगेंस्ट, तो गोल में टेस्टेगन होगा, डिफेंस में रहेगी मैं तो ऑस्कर मिंगेसा को चांस दूंगा, जो रोल एरिक गार्सिया को दिया था मेरे ख्याल से ऑस्कर मिंगेसा इस रोल को बेहतर करेगा एरिक गार्सिया से। तो ऑस्कर मिंगेसा रहेगा एज अ राइट डिफेंडर जो बेहतरी में चेंज होगा, तो एरिक गार्सिया तो ऑस्कर मिंगेसा यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो ऑस्कर मिंगेसा एज अ राइट डिफेंडर भी खेल सकता है एंड एज अ सेंट्रल डिफेंडर भी खेल सकता है। अगर बैक थ्री में आ जाए बार्सिलोना तो भी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, अगर फोर थ्री थ्री में आ जाए तो वो भी वहाँ पर भी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो ऑस्कर मिंगेसा मेरे ख्याल से राइट डिफेंडर होगा, जेरार्ड पीके एंड रोनाल्ड अराउखो एंड जोर्डी अल्बा रहेंगे मिडफील्ड में। अगर पेद्री इंजरी से बाहर होगा तो भी स्टार्ट नहीं करेगा, तो मिडफील्ड में ऐसा ही रहेगा निको गोंजालेस, फ्रेंक यंग एंड सर्जियो बुस्केट्स एंड स्ट्राइक में रहेंगे मेरे ख्याल से। अभी यहाँ पर थोड़ा सा चांस है, अभी मिडफील्ड जो है ना मैं तो अभी थोड़ा सा इसमें चेंज लाऊंगा, क्योंकि अभी जो उस्मान टीम पे ले हैं वो पिछले दो तीन मैच में एज अ सब्स्टिट्यूट आ रहा था। अगर बार्सिलोना के लिए ये मैच बहुत ज़रूरी है, बल्कि बार्सिलोना के लिए अभी जो कि आने वाले सारे मैचेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए निको गोंजालेस की जगह मैं यहाँ पर गावी को स्टार्ट करूँगा एंड वहाँ पर जो है ना उस्मान डिम्बेले एज अ लेफ्ट विंग में खेलेगा एंड यहाँ पर राइट विंग में आब्दे खेलेगा एंड मेम्फिस डिपे एज अ सेंटर स्ट्राइकर खेलेगा। मिडफील्ड में भी रहेंगे फ्रेंकी डी यंग, सर्जियो बुस्केट्स एंड गावी खेलेंगे एंड उस्मान डिम्बेले जो है ना जो तीन मैच में वो एज अ सब्स्टिट्यूट आए तो यहाँ पर वो स्टार्ट करेगा। तो एज अगर वो स्टार्ट करे तो लेफ्ट में उस्मान डिम्बेले रहेगा, सेंटर में रहेगा मेम्फिस डिपे एंड राइट में रहेगा अब्दे। तो ये बार्सिलोना का बेस्ट लाइनअप होगा रियल बेटिस के अगेंस्ट। आप लोगों को कैसा लगता है कि बार्सिलोना का बेस्ट लाइनअप कैसा रहेगा रियल बेटिस के अगेंस्ट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाय।